चलिए, काफी लॉन्ग ब्रेक के बाद आखिरकार ईपीएल के ईपीएल वापस से एक्शन में आया। जी हाँ, काफी लंबा दो दिन का ब्रेक था, लेकिन आज डबल मैचेस हुए। जी हाँ, दो मैचेस आज थे, और जिन जिन टीमों के मैच थे अगर हम उनके बारे में जान लें तो ये जानते हैं कौन कौन सी टीम्स के मैच आज हुए हैं, पहला मैच और उसके बाद दूसरा मैच। बिल्कुल, पहला मैच जो हुआ वो ललितपुर पेट्रियट्स वर्सेस पोखरा राइनोस के बीच हुआ था पहला, और अगर दूसरे मैच की बात करें तो भैरवा ग्लैडिएटर्स वर्सेस विराटनगर वॉरियर्स के बीच ये मैच दूसरा मैच जो खेला गया। जी हाँ, पहला मैच 7 ओवर का था। चलिए सबसे पहले उस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा मैच था, इतने सारे परफॉर्मेंस नहीं आए, लेकिन उन 7 ओवर के मैच में भी, यानी 14 ओवर के मैच में भी, उसमें भी कुछ ऐसे परफॉर्मर हैं जिन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया, और काबिले तारीफ रही है उनकी आज परफॉर्मेंस, भली टीम जीती हो या हारी हो। वो हिडन परफॉर्मेंसेस या फिर वो यंग प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस जो कि बिल्कुल सराही जानी चाहिए, और वही आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पहले मैच से कौन कौन से टॉप परफॉर्मर रहे हैं जो कि हिडन भी रहे हैं और काफी यंग भी। बिल्कुल, नंदन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पोखरा राइनोस से हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। 2 ओवर इन्होंने कराए थे और बहुत ही अच्छा उमदा बॉलिंग कराई जिसमें 7 डॉट्स थे। जहाँ 7 ओवर के मैच में 7 डॉट्स कराना, 11 रन और 3 विकेट इन्होंने निकाले, जबरदस्त बॉलिंग रही, और इन्होंने ही कम स्कोर पे रोकने की बहुत ज्यादा जो इनकी कोशिश रही वो कहीं ना कहीं एक सफल रही, कामयाब रही है। और 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए नंदन ने पोखरा राइनोस के, राइट आर्म मीडियम बॉलर। जी हाँ, काफी शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है। बॉलिंग आप देख सकते हैं 12 बॉल्स में से 7 बॉल डॉट डाली है 7 ओवर के मैच में, जहाँ जाहिर सी बात है कि बैट्समैन का इंटेंट होगा कि आप वो हर बॉल में 6 के लिए जाए या फिर बड़े शॉट के लिए जाए, तो उसमें भी इतनी शानदार स्पेल निकालना सच में काबिले तारीफ परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं नंदन की तरफ से। अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जब पोखरा राइनोस 52 का टारगेट चेस करने के लिए उतरी तो उसके साथ रिचर्ड लेवी ने, जहाँ जिस तरीके से पारी खेली है उनको एक्सपीरियंस काफी है, लेकिन नाम इतना निकल के नहीं आया, एक्सपीरियंस बहुत है, जानते भी हैं ठीक ठाक उनके बारे में। 38 रन की उन्होंने पारी खेली, नॉट आउट। जी हाँ, नॉट आउट, राइट ही बैट्समैन है और 38 रन ओपनिंग में आके वो नॉट आउट गए, जो की पूरी टीम को जीत दिला के गए, विन करके गए, ये बहुत बड़ी बात। जी हाँ, और हमने इस इनिंग को इसलिए पिक किया है क्योंकि ये बहुत ऑब्वियसली परफॉर्मेंस था, तो आपको लग रहा होगा कि ये हिडन परफॉर्मेंस में कहा आया, लेकिन इसके बारे में एक बात करनी जरूरी थी। जब रिचर्ड लेवी आए तो वो बहुत ही काम खेल रहे थे, सिंगल निकाल रहे थे, बॉल्स रोक रहे थे, सिंगल निकाल रहे, काफी आराम से खेल रहे थे, ज्यादा बाउंड्रीज नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना विकेट संभाल के रखा और जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ती गई तो 1 ओवर में जब 11 रन बचे थे लास्ट में डिफेंड करने के लिए, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ मैच बनेगा, लेकिन वहां पर रिचर्ड लेवी ने दिखाया कि इतना आसान नहीं है, ये मैं आराम से मैच लेके आ रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और किस कैपेबल मैं हूं। उन्होंने 2 बॉल के अंदर पूरा का पूरा गेम खत्म कर दिया, और दूसरी टीम की जो होप थी 7वें 6वें ओवर में जो बनी थी वो 7वें ओवर में धराशायी कर दी, बस इसीलिए इस इनिंग को हमने यहाँ पर उठाया। तो ये बात हो गई पहले मैच के टॉप परफॉर्मर के बारे में। बिल्कुल, एक परफॉर्मर यहाँ और है कि जिनकी वजह से ये जो पोखरा राइनोस को मुसीबत हुई थोड़ी बहुत, उनको टफनेस उनके इनिंग में आई, अजमतुल्ला उमर से। जी हाँ, अफगानिस्तान के राइट आर्म मीडियम बॉलर अजमतुल्ला उमर से। जी हाँ, उन्होंने 2 ओवर में 6 डॉट्स कराए, 11 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है, जहाँ 52 का चेस था सिर्फ 7 ओवर, और 6वें ओवर की जैसे आपने बात करी सिर्फ 2 रन आए थे और 1 विकेट उसी ओवर में इनको मिला, तो वही टर्निंग पॉइंट काफी इन्होंने करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं 2 ओवर में 13 रन चाहिए थे पोखरा राइनोस को, वहां पर इन्होंने आके 6वां ओवर डाला और सिर्फ 2 रन दिए, और जबरदस्त बॉलिंग उनकी रही है उस स्पेल के लिए, उस ओवर के लिए खास करके वो स्टॉप परफॉर्मर लिस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन 7वें ओवर में थोड़ा सा ब्लेंडर कप्तानी काम कहेंगे। चलिए, वो बात और है, यहाँ बात परफॉर्मेंस की हो रही है। ये पहले मैच में कुछ परफॉर्मेंस थे, काफी अच्छे परफॉर्मेंस थे। सेकंड मैच में जो परफॉर्मर है, जो पहला नाम है, उनको तो हम उनके बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे तुरंत इन्हें नेशनल स्क्वाड में आप ले सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और कहना होगा बहुत ही अच्छे टैलेंट निकल के आ रहे हैं, और इस आईपीएल को कराने का कहीं ना कहीं बेनिफिट अब देखने को मिल रहा है। निकल के बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है। दुर्गेश गुप्ता की हम बात कर रहे हैं, भैरवा ग्लैडिएटर्स के लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर, जिन्होंने 4 ओवर में 12 रन दिए और 1 विकेट निकाला है। जी हाँ, इतनी जबरदस्त उन्होंने स्लोअर रखी, कटर रखी, खेलने में दिक्कत हुई, पिच स्लोअर थी और उसका फायदा उन्होंने बखूबी उठाया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया, कटर का इस्तेमाल किया, और कुछ कुछ खासकर स्लोअर बॉलों में ज्यादा फंसाने की कोशिश करी और डॉट्स काफी निकलवाई, जो कि T20 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी हाँ, अगर एक बॉलर की बात 24 गेंदों में सिर्फ 12 रन आते हैं तो बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने कराई है, खास करके अगर वो और विकेट भी, और अगर वो T20 मोड हो तो और ज्यादा। इन्होंने पहले मैच में इंप्रेस किया था और आज फिर एक बेहतरीन लेफ्ट आर्मर निकलते हुए आ रहे हैं नेपाल के लिए, तो भी काफी शानदार हो सकते हैं इन फ्यूचर नेशनल टीम के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर के बारे में। बिल्कुल, और दूसरे प्लेयर वो है राम नरेश गिरी। जी हाँ, विराटनगर वॉरियर्स से राम नरेश गिरी, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक शेयर परफॉर्मेंस रहा है कहीं, और अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है। तमीम इकबाल जैसा बड़ा विकेट उनके अकाउंट में गया है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी। रोहित कुमार पड़ेल भी, जी हाँ, अभी नेपाल के टीम के करंट प्लेयर का, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी, लाइन भी ठीक था, लाइन भी सही था, अच्छी बॉलिंग कराने की कोशिश करी। अब ओवरऑल अगर मैं सारे ही प्लेयर की बात करूं आज के, चाहे वो नंदन हो या फिर अजमतुल्ला उमरजई हो, रिचर्ड लेवी हो, दुर्गेश गुप्ता हो, राम नरेश गिरी हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। आगे देखने जितना इतना मैचेस खेलते जाएंगे उतना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो यही 4-5 परफॉर्मेंस आज के मैच में थे इन दोनों मैचेस को मिलाकर, और आगे जो भी मैचेस होंगे उनके भी टॉप परफॉर्मेंस आपके सामने हम लेकर हाजिर होंगे। इनमें से अगर आपको पिक करना हो एंड की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन से प्लेयर का लगा आज जब आपने दोनों मैचेस देखे उसमें से? बिल्कुल, अब मैं कहूंगा नंदन का। जी हाँ, भले ही पोखरा रनर्स की तरफ से उन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए हैं और 3 विकेट निकाले हैं, 7 डॉट्स हैं, मैचेस का स्पेल देखिए, मैचेस का जो एक लिमिटेशन था वो 7 ओवर का कर दिया इसी वजह से। जी हाँ, 7 ओवर के मैच में इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराना काबिले तारीफ है, बहुत ही शानदार बॉलिंग की आज रही है। तो ओवरऑल इन सारे प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ही आगे परफॉर्म करते रहिए, बेटर परफॉर्म करते रहे लगातार, और इसका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आपको बड़े रूप में आगे जाके जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बल्ली रेडियो क्रिकेट चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर एवरेज प्रीमियर लीग के डेली हम टॉप परफॉर्मर्स की बात आपके सामने लेकर आते हैं, और जो यंग प्लेयर्स हैं, जो कि हिडन प्लेयर्स हैं, उनके बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश रहती है हमारी टॉप परफॉर्मेंस में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर हमारे एफर्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए। बाय गाइस।